गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इस लेक्चर में ओम्स लॉ पढ़ेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट एक लॉ है बेटा। ओम्स लॉ किसने दिया था? एक जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम्स इन 1828। इन्होंने एक रिलेशन दिया, ही टेल अस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। इन्होंने जो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन दिया था, वो रिलेशन क्या है? इट्स स्टेट दैट द ऑल अदर फिजिकल पैरामीटर रिमेंस सेम। बेटा हम यहां पर इस डेफिनेशन की एक वर्ड की फिजिक्स को देखेंगे। ऑल अदर फिजिकल पैरामीटर रिमेंस सेम, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इन अ कंडक्टर इज directly proportional to the electric potential difference which is established across the end of metallic conductor. This is the Ohm's law. Ohm scientist ने जो ये ला दिया, उन्होंने बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड द इलेक्ट्रिक करंट के बीच में दिया, और उसका स्टेटमेंट कहता है ऑल अदर फिजिकल पैरामीटर्स। ये क्या है बेटा? ऑल अदर फिजिकल पैरामीटर है बेटा temperature, length of wire, diameter, shape, is kept unchanged। ये सब अगर ना बदल रहा हो एंड प्रेशर, अगर ये सारी चीजें जो वायर जिस मीडियम में रखा हुआ है उस मीडियम का प्रेशर ना चेंज हो रहा हो, उस वायर की लेंथ कंटिन्यूअसली चेंज ना हो रही हो, उसका डायमीटर ना चेंज हो, उसका शेप ना चेंज हो, ये सब कैसा हो? अनचेंज हो, और उसका टेम्परेचर भी वायर का चेंज ना हो रहा हो, तो ऐसे वायर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में इन्होंने एक रिलेशन दिया, और उस रिलेशन को ही बोला गया बेटा ओम्स लॉ। ये लॉ क्या बोलता है? इट्स स्टेट दैट द ऑल अदर फिजिकल पैरामीटर्स इज रिमेंस कांस्टेंट आर रिमेंस सेम, देन द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो थ्रू इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच इज एस्टैब्लिश अक्रॉस द एंड ऑफ द मेटालिक कंडक्टर। जो मेटालिक कंडक्टर के एंड पर लगा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस है
वो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट के कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट मींस वी अपॉन आई इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा बेटा, एक कांस्टेंट आएगा और इस कांस्टेंट को बोला जाता है कैपिटल आर, या इस कांस्टेंट को कैपिटल आर से लिखा जाता है। दैट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द ओम्स लॉ, वेयर आर इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है और जिसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, और इसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं बेटा, दैट इज रेजिस्टेंस। हेयर वी इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वीडियो को पॉज करके बेटा नोट कर लीजिएगा। R is equal to V upon I, where V is the potential difference across the end, potential difference across the end, and I is the electric current which is flow through in a conductor, and R is the obstruction is offered टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसे एक वर्ड में बोलें तो रेजिस्टेंस है। यूनिट अगर हम इसकी देखें बेटा, तो यूनिट क्या है, तो R इज इक्वल टू V अपान आई, तो यहां से ये बोल्ट में होगा पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट जो होगा एम्पियर में होगा। तो यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस इज बोल्ट अपान एम्पियर, एंड वन बोल्ट अपान एम्पियर, या आप ऐसे सीधा लिखें बोल्ट अपॉन एम्पियर इज इक्वल टू ओम, या ऐसे भी लिखते हैं ओम का ये बेटा सिंबलिक फॉर्म है, इसे ओम को ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट ओम भी होगी, और वन बोल्ट अपॉन एम्पियर इज इक्वल टू वन ओम। आर अदर यूनिट, और इसके अदर भी यूनिट है, वन किलो ओम इज इक्वल टू 1000 ओम, 1 मेगा ओम, 1 मेगा ओम, 1 मेगा ओम 10 to the power 6 ओम, ये सब बिगेस्ट यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस है बेटा। यहां पर R इक्वल टू V अपान आई है, इसका मैथमेटिकल इक्वेशन भी इक्वल टू आई आर भी लिख सकते हैं बेटा। यहां पर आपको दिख रहा होगा अगर R V को बढ़ाएं तो R बढ़ जाएगा, I को बढ़ाएं तो भी V बढ़ जाएगा, लेकिन कैसे बढ़ेगा, एक लीनियर वे में बढ़ेगा, ठीक है। एक कह सकते हैं कि ऐसे रेशियो में बढ़ेगा जो एक स्ट्रेट लाइन को शो करेगा, और इस स्ट्रेट लाइन को बोला जाता है वी आई ग्राफ बेटा, वी आई ग्राफ। वी आई ग्राफ से भी देखें रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी। सपोज कर लेते हैं बेटा दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है। एक्स एक्सिस पर हम आई एम को लेते हैं, आई मींस करंट को लेते हैं, इन एम्पियर में है बेटा, ये एम्पियर में है, और इस वाले एक्सिस पर हम पोटेंशियल डिफरेंस को लेते हैं वोल्ट में, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में है जो ये, तो हम देखते हैं कि अगर V को इंक्रीज करते हैं तो I भी इंक्रीज हो जाता है बेटा, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, और इसी को बोला जाता है वी आई ग्राफ। सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा V1 है, तो ये इस पर जो करंट मिल रहा है वो I1 है, कुछ टाइम के बाद ये हमारा V2 है, V2, और इस पर करंट जो मिल रहा है वो I2 है। तो ये देखें कि VI ग्राफ का जो ये स्लोप है, इस स्लोप A B C, ये स्लोप क्या बोल रहा है, तो यहां पर यही जो स्लोप है A B, यही हमारा R है, इसे हम tan थीटा के रेशियो में फाइंड आउट करेंगे। तो R इक्वल टू tan थीटा का रेशियो क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपान बेस।
तो परपेंडिकुलर हमारा बीसी है और जो बेस है वो एसी है। यहां से आर इज इक्वल टू बीसी कितना है बेटा, बीसी टोटल यहां से ये जीरो से लेके ये वैल्यू बी टू है और ये वैल्यू बी वन है, तो यहां से आ जाएगा बी टू माइनस बी वन बीसी इक्वल टू, और एसी की वैल्यू आई टू माइनस आई वन, आई टू माइनस आई वन दिस इज द रेजिस्टेंस, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं किसी बी आई ग्राफ में जो स्लोप होता है उस स्लोप को अगर हम फाइंड आउट कर लें तो उस कंडक्टर का या उस सर्किट का हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगा बेटा। यहां पर एक हेडिंग और देखें, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस नाम से ही बिल्कुल बेटा लग रहा है कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से हो जाए। अब रेजिस्टेंस क्या बोलता है कि नहीं मैं इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने से रोकूंगा, लेकिन ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से हो जाए। इट मीन्स ये क्या होगा, द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज रेजिस्टेंस, सॉरी कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। कंडक्टेंस को बेटा सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, इट मीन सिग्मा इज इक्वल टू वन अपॉन आर, वन अपॉन आर मीन्स वन अपॉन रेजिस्टेंस, और इसकी यूनिट क्या होगी, ओम इनवर्स, क्या होगा, ओम इनवर्स, या इसी को अदर वर्ड्स में हम लिख सकते हैं साइमन, साइमन। ओम इनवर्स को क्या लिखते हैं बेटा, साइमन। ओम्स लॉ का लिमिटेशन क्या है बेटा, इसका लिमिटेशन फर्स्ट लिमिटेशन है तो फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर शुड बी कॉन्स्टेंट। हमने जो डेफिनेशन में लिखा था द ऑल अदर फिजिकल पैरामीटर्स रिमेंस कॉन्स्टेंट, तो वही है इसका फिजिकल कंडीशन क्या होना चाहिए, ये लिमिटेशन है कि प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए, लिमिटेशन है, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, लिमिटेशन है, एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर चेंज नहीं होना चाहिए, शेप नहीं चेंज होना चाहिए, डायमीटर नहीं चेंज होना चाहिए, ये सब अगर चेंज नहीं हो रहा है बेटा तो हमारा ओम्स लॉ वैलिड है, अप्लीकेबल है, और अगर ये सब चेंज हो रहा है तो ओम्स लॉ अप्लीकेबल नहीं है, वैलिड नहीं है, वहां पर लागू ही नहीं होगा ओम्स लॉ। यानी कि ओम्स लॉ एक यूनिफॉर्म वायर के लिए, एक लिमिटेड वायर के लिए, या कह सकते हैं कि अगर उसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, प्रेशर कॉन्स्टेंट है, उसके लिए वैलिड है और अदर के लिए वैलिड नहीं है। सेकेंड क्या है, दिस लॉ इज नॉट अप्लीकेबल टू यूनिलैटरल नेटवर्क, यूनिलैटरल नेटवर्क के लिए भी अप्लीकेबल नहीं है। यूनिलैटरल नेटवर्क क्या है बेटा, यूनिलैटरल नेटवर्क अलाउड द करंट टू फ्लो इन अ वन डायरेक्शन, एक ऐसा नेटवर्क जो करंट को अलाउ करे एक डायरेक्शन में, सच टाइप ऑफ नेटवर्क, ऐसे जो नेटवर्क होते हैं कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट लाइक द डायोड एंड ट्रांजिस्टर, ऐसे जो होते हैं वो डायोड और ट्रांजिस्टर होते हैं बेटा, जो यूनिलैटरल नेटवर्क कहलाते हैं। थायरिस्टर भी होता है तो थायरिस्टर के लिए भी ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द ओम्स लॉ बेटा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, थैंक यू बेटा।